उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तपोवन में बांध टूट गया है, ऐसे में नदी विकराल रूप ले चुकी है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरी खबर। चमोली जिले की नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की आशंका हो रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने घाटों को खाली करने के आदेश दिए हैं। गंगा किनारे बसे लोगों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। तेज उफान पर अलकनंदा नदी बह रही है। नदी के इस बहाव के कारण मैदानी क्षेत्रों में भी गंगा का जल स्तर बढ़ सकता है। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सभी थानों और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। नदी से बोट और राफ्टिंग संचालकों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि ग्लेशियर फटने के बाद बांध क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई है। तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। श्रीनगर में प्रशासन ने नदी किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की है। वहीं नदी में काम कर रहे मजदूरों को भी हटाया जा रहा है। उधर बाढ़ के बाद अब धौली नदी का जल स्तर पूरी तरह से रुका हुआ है। करंट लगने से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि गंगा नदी के किनारे न जाएं। बताया जा रहा है कि सीएम घटना स्थल का हवाई दौरा भी कर सकते हैं। चमोली जिले के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।